हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मसाला फ़िश फ्राई, जिसके लिए हमने यहाँ पर 1 kg फ़िश ले ली है। अब हम एक बाउल लेंगे, हमें लेना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 नींबू। अब हमें लेना है चिकन टिक्का मसाला, ये हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। फ्रेंड्स, हमने रेडी चिकन टिक्का मसाला लिया है। अगर आपके पास टिक्का मसाला ना हो तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर लेकर उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच राइस फ्लोर ले और उसे थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें और उसमें अपनी फिश को मिक्स करें। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालना है। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, हमें इसे हाथ से ही मिक्स करना है। फ्रेंड्स, हमने इसका मसाला रेडी कर लिया है। अब हम इसमें फिश डालेंगे। हमें अच्छे से फिश में मसाला लगा लेना है। इसी तरह से हम सारे फिश में मसाला इस तरह से लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी सारी फिश में मसाला लगा लिया है। अब हम इसे 40 से 45 मिनट तक ऐसे ही मसाले में रख देंगे। फ्रेंड्स, 45 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हम ले लेंगे कढ़ाई। अब हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी मछली ऐड करेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी तरह हम बाकी बची हुई मछलियां भी फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपनी मछली फ्राई कर ली है। आप भी इसी तरह से फ्राई मछली बनाइए, ये बहुत टेस्टी होती है और एकदम इजी बन जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।